हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। क्या हाल है आप सबका? आज आप लोग के लिए लेकर के आ गए हैं फिर से, काफ़ी दिनों के बाद, मॉडुलर किचन का फिनिशिंग। जो कि आप इसके पहले इसका कैबिनेट का वीडियो देखे थे, तो वही विराट नगर में आज किचन फाइनल हो रहा है, हो गया। तो कैसे कैसे किए हैं, चलिए शुरू से दिखाते। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो मिस्त्री साहब है किस तरह से गुस्सा में लाल पियर हो करके पता नहीं क्यों और चैनल फेंक करके गए हैं। अब मालूम नहीं क्योंकि हम वहाँ पे नहीं हैं। तो ये देखिए, टाइल्स ग्रेनाइट लग चुका है, जो कि ग्रेनाइट ब्लैक कलर का है और टाइल्स व्हाइट कलर का है, जिसमें बूटा बूटा बना हुआ है, ये धाड़ी धाड़ी है, देख सकते हैं। तो इसी किचन को आज फिनिशिंग करते हैं, तो शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा और काम अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये हमारा खुलना स्टार्ट हो चुका है पूरा, यहाँ पे शटर सब रखा हुआ है, सेल्फ सब रखा हुआ है, तो यही सबसे पहले शुरुआत कर दिए हैं सेल्फ से। तो यही सेल्फ खोलना स्टार्ट कर दिए हैं, तो एक एक करके खोल कर निकालते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। देख सकते हैं नोवा प्रो का बैक बटन निकल चुका है और यहाँ पर सब सामान रख दिया गया है, सब के सब खुल गया है। शटर भी यहाँ पर रखा हुआ है और सेल्फ सब भी रखा हुआ है और औजार का बोरा भी है और यहाँ पर वायलेंस ब्रॉड कर्निस और ऊपर का वॉल कैबिनेट का ये सेल्फ रखा हुआ है और यहाँ पे बास्केट का भी सेल्फ रखा हुआ है और उसके अंदर फिलर सब रखा हुआ है। और कब्जा का होल करने के लिए यहाँ पे दाग लग रहा है, ये लास्ट पीस बचा हुआ है, बाकी सब में रख दिए हैं, एक दो पीस बाकी है, तो वही उठा करके अभी दिखाते हैं ये किस तरह से ये रख रहे हैं। यही दूसरा पीस बाकी है, तो इसी बीच में इनको लगाने दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर ये प्लेन बास्केट में चैनल चल रहा है, बाकी में चलाना भी बाकी है। इनके पीछे देख सकते हैं ये कैटलेरी सेट रखा हुआ है और डिटर्जेंट होल्डर भी दिख रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ पे वॉल कैबिनेट का सबसे पहले ये सेल्फ होल्डर रखा गया है और यहाँ पे चिमनी का साइज छोड़ा हुआ है और उसके बगल में भी सेल्फ होल्डर रख कर दिखा दे रहे हैं आप लोगों को और इसे कस कर आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि ये दोनों में तो रख देंगे लेकिन यहाँ ब्लांड जो कैबिनेट है उसमें सेल्फ आप लोगों को पता ही है कि सबसे लास्ट में लगता है ये लगा करके शटर इसका। और नीचे में भी बेस कैबिनेट पर रखा हुआ है, तो वो भी लगाते हैं और दिखाते हैं। देखिए सेल्फ होल्डर सारा के सारा कस दिए हैं, पूरा कसा गया है, इधर भी हो गया है और उधर भी हो गया है और ब्लांड में भी हो गया है, लेकिन ब्लांड में बाद में लगेगा। तो आपको अब रख कर दिखाते हैं, सबसे पहले ऊपर का, ये देखिए ऊपर का रख दिए हैं दोनों में, यहाँ पे सबसे पहले दिखा दे रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पे और ब्लांड छूटा हुआ है और इधर में आरओ का जगह बना हुआ है, आरओ नहीं लगा कर दिखा सकते हैं गाइस क्योंकि वो क्लाइंट का है। और यहाँ पे और एक दो पीस में कटिंग हो चुका है ये कब्जा का होल और बाकी सब में काट रहे हैं, ये काटना बाकी है, वो कटिंग हो चुका। अब यहाँ पे हैंजिस निकाल कर रख रहे हैं, जो कि सब क्लॉज हैंजिस है, हमेशा लगाते हैं, तो ये कस दिए हैं पूरा के पूरा में। और ब्लांड इधर में आप लोगों को एक पीस दिख रहा होगा छूटा हुआ है, तो इसमें भी कस कर आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे कसा कर रेडी हो चुका ब्लांड भी। तो चलाकर थोड़ा दिखा रहे हैं, फिलर में टाइट करना पड़ता है क्योंकि ये ग्रुप भी दिया देना पड़ता है तभी खुलता है। तो यहाँ पे चैनल अभी बाकी है कसना, तो चैनल को भी लगा देते हैं, उसके बाद में सेल्फ होल्डर को बाद में कसेंगे और चैनल चला कर दिखाते हैं। और यहाँ पे ये 8-8 इंची का दो प्लेन बास्केट जो 21 इंची के चौड़ाई में लगा हुआ है, तो ये लग कर रेडी हो चुका है। उसके बाद में सेल्फ भी यहाँ पे ये कुकिंग वाला कैबिनेट में लग गया है, तो इसमें अभी यहीं से शुरुआत करते हैं ये शटर लगाना। तो ये देखिए एक पीस में शटर लग चुका है ये बास्केट, प्लेन बास्केट में, और ऊपर वाला लगाने के लिए रेडी हो गए हैं, ये भी लगकर रेडी हो गया। और कुकिंग का शटर लग रहा है जो कि हाफ शटर है, उसके ऊपर में अभी नोवा प्रो जो कि टेंडम बॉक्स बोलते हैं वो लगाना है। तो ये लगभग हमारा रेडी हो चुका, नोवा प्रो भी लग चुका, अब ब्लांड लगाना बाकी है। तो ब्लांड में शटर लगेगा, उसके बाद में आप लोग को दिखाते हैं बने रही वीडियो में। ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्लांड लगाना स्टार्ट कर दिए हैं और सेट भी हो चुका, थोड़ा मिलाना पड़ता है, वही मिला रहे हैं। और यहाँ पे ये डिश रैक लगा रहे हैं जो कि GTPT हम लोग काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं, तो ये डिश रैक दोनों के दोनों लग गया और शटर भी लग गया। आप लोग को एक ही बार दिखा दिए हैं, पहले एक पीस कस करके उसके अंदर चलिए दूसरी की तरफ, नीचे की तरफ करते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं सिंक वाला कैबिनेट में शटर लगना स्टार्ट हो गया है, तो ये लगकर रेडी हो गया। अब ऊपर का 138 का जो है वो भी एक ही बार में एक कस देंगे, ये देखिए इसको कस रहे हैं अंदर से, ये ब्रैकेट लगा करके कसा जाता है, तो वही टाइट कर रहे हैं और पाइप उप सब लगा दिए हैं। और यहाँ पे बीम डिटर्जेंट दोनों लग चुका है, बीन होल्डर डिटर्जेंट होल्डर सॉरी,
एक ही बार शॉर्टकट में बोल दिए हैं। अब चलिए ऊपर का आप लोगों को काम करके दिखाते हैं। एक पीस लग गया है इधर साइड में, ये छूट गया था, यहाँ पे दिखा दिए। अब दूसरा भी यहाँ पे लगकर रेडी हो चुका दोनों को दोनों। अब आप लोगों को दिखाएंगे दूसरी साइड का। यहाँ पे देखिए जी टी पी टी में लगाना स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले थोड़ा इधर उधर हो गया है वीडियो, तो ये दोनों के दोनों लग गया है। अब ब्लांड कैबिनेट में लगने जा रहा है शटर, तो ये भी लग करके लगभग हमारा रेडी हो चुका। अब इसमें फिलर लग रहा है, तो इस साइड से खोल करके फिलर लगा दिए। ये देख सकते हैं पूरा का पूरा फाइनल हो चुका किचन ऊपर का। अब सिर्फ चिमनी लगाना बाकी है, वायलेंस ब्रॉड कॉर्निस और चिमनी पाइप। तो एक ही बार बनाकर दिखा देते हैं आप लोगों को, एक बार नीचे की तरफ भी दिखा देते हैं कि इस साइड का पूरा ख़त्म हो गया है काम, और कटलेरी सेट में लगाना भी बाकी है। तो गाइज ये देखते देखते आप लोग प्लीज़ गाइज चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। गाइज ये घर पर आ करके हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोग को देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी दिन लेट हो गया है, नहीं हो पाया, क्योंकि आप लोग पता है कि हम बिहार स्टेट में रहते हैं, तो यहाँ पे नेटवर्क की बहुत दिक्कत होता है, इसलिए 3-4 दिन अपलोड होने में लगता है। तो क्या करेगा इसीलिए, तो बल्ब भी हमारा लगकर रेडी हो चुका है और चिमनी खोल दिए हैं। अब चिमनी लगाना बाकी है, तो चिमनी को लगा करके आप लोग को दिखाते हैं एक ही बार में ये पाइप सेट करके। तो ये देखिए चिमनी लग गया है, पाइप भी सेट हो चुका, अब ब्रॉड कॉर्निस वायलेंस भी यहाँ पे लग गया। अब चिमनी कवर बनाने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो एक ही बार लास्ट में आप लोगों को दिख जाएगा। और यहाँ पे ट्रे छूट गया था जाते जाते, तो ट्रे सोचे हैं कटिंग करके रख देते हैं। तो लगभग हमारा ये पूरा काम फाइनल हो चुका है, ये देख सकते हैं। एक बार पूरा आप लोग को दिखा दे रहे हैं नीचे वाला किचन और ऊपर वाला किचन भी, धीरे धीरे थोड़ा स्लो होकर के दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग देख कर समझ सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, लुक कितना मस्त है, और ये कितना अच्छा लकड़ी कलर है, काठ कलर का है। और इसको ऊपर में आपको ले चलते हैं, देखिए कितना मस्त लग रहा है, ऊपर भी पूरा एक ही कलर है और गजब है। तो एक एक करके खोल करके आप लोग को दिखा देते हैं। सिंक एरिया है, आप लोगों को पता ही है, और एक कटलेरी सेट है, ये देखिए ये जाली वाला अब की बार वायर वाला लगा हुआ है, और नीचे में कप प्लेट का सेट वाला रखने के लिए लगा हुआ है, और यहाँ पे थाल के लिए जो प्लेट भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, और यहाँ पे सिलेंडर ट्रॉली है, आप लोगों को पता ही है सिलेंडर रख सकते हैं, इसमें सिलेंडर के लिए जगह बना हुआ है। और यहाँ पे कटलेरी वाला ये टेंडम बॉक्स है, जो कि चक्कू छुरी सब रख सकते हैं, और यहाँ पे हाफ सेल्फ लगा हुआ है और डबल शटर का, और ये 8 इंची का प्लेन बास्केट है, और नीचे में भी सेम है वही प्लेन बास्केट 21 इंची का। अब चलते हैं ऊपर की तरफ और दिखाते हैं। देखिए ये सेल्फ वाला कैबिनेट है सिंगल शटर का, और चिमनी नहीं चला सकते हैं गाइस सॉरी, क्योंकि कनेक्शन अभी नहीं हुआ है, और ये डबल शटर का ये सेल्फ लगा हुआ है, और यहाँ पे ब्लांड में शटर जो लग गया उसके बाद में सेल्फ भी लग चुका है, देख सकते हैं सेल्फ लग गया। और ये आरओ का जो पानी का फिल्टर होता है उसके लिए बना हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, अभी जुड़ा हुआ नहीं है, और यहाँ पे ये डिश रैक के लिए बना हुआ है। तो ये डिश रैक लग चुका है, जीटीपीटी भी बोलते हैं, तो आप लोगों को पूरा एक बार घुमा कर दिखा देते हैं। तो चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ गाइज, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत से बनाया है गाइज। मिलते हैं नए किसी वीडियो के साथ में, आज के लिए बस इतना ही, जय भोलेनाथ।